ये विगत में 22 तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात लोग बस के अंदर चढ़े और उनके पास रखा 40 लाख के अराउंड जो कैश है वो लूट ले गए थे। उसी में एक मुकदमा रामनगर थाने में पंजीकृत हुआ और एक स्पेशल टीम एडिशनल DCP काशी जोन के अंडर में गठित की गई, जिसके द्वारा ये सफल अनावरण किया गया है। इसमें CCTV फुटेज और CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कुछ अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे जो पोस्टेड रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध आई है। लगातार पूछताछ जारी है। इसमें 3 और अभी अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। अभी इनसे 8 लाख के अराउंड कैश बरामद हुआ है, 2 असले और कुछ जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। कितने की ये जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, उसमें वादी ने ये बताया था कि टोटल 93,93,00,000 के अराउंड ये कैश उनके पास था, लेकिन जो लूटे गए पैसे थे वो सिर्फ 42 लाख कुछ के अराउंड धनराशि उनसे लेके गए थे। तो जो मोडस ऑपरेंडी इनकी सामने आई थी वो ये थी कि जो यहाँ पे इनको इनका जो मुखबीर है, जो वहाँ पे वॉच करता है कि कौन कितने पैसे लेके चल रहा है, उनके पास जो टोटल धनराशि होती है वो कभी पूरी नहीं लूटते हैं, उसमें से सिर्फ आधी धनराशि लेकर के बाकी वापस कर देते हैं, जिसके डर से अगला जो है कंप्लेंट नहीं करता है। इसमें जो पुलिस की भूमिका जो सस्पेक्ट के तौर पर या क्लियर हो गई है, और कहाँ पे वो किस पोस्ट पे कहाँ पे तैनात थे, क्या भूमिका इस रॉबरी में रही? अभी ये सब इंस्पेक्टर यहाँ पे एक चौकी पे तैनात थे, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है जो भी हमारे पास एविडेंसेस आए हैं, और विवेचना का क्योंकि ये अभी विषय है और सरकारी कर्मचारी हैं ये। किस तरीके से बनाया गया था, बताया जा रहा है कि बगैर चौकी चार जो है वो उसमें पूरी तरह से शामिल थे, कुछ तो सर आधार होगा उनको जाँच में शामिल करने का या जो एविडेंस हमारे पास प्राप्त हुए हैं, क्योंकि अभी हमें माननीय न्यायालय में ये सबमिट करने होंगे, तो ये पब्लिक डोमेन में हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि इंटरनल डिपार्टमेंटल ये एक इंक्वायरी का भी इशू है। जैसा मैंने बताया, मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि इनका जो एक आदमी है वो मुखबिर बन के जहाँ पे भी जो व्यवसायी होते हैं उनको वॉच करता है कि कौन कितना कैश पर डे लेके जा रहा है, और उसी में ये लोग उसको किसी रास्ते में जाते वक्त पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे फिर जो टोटल धनराशि है वो ना लूट करके आधी धनराशि या अराउंड 50% या 60% धनराशि अपने साथ ले जाते हैं। क्या बताते थे ये? ये अपने आप को बताते हैं कि हम लोग क्राइम टीम हैं, हम लोग आपकी चेकिंग करने आए हैं, हमें संदिग्ध सूचना मिली है कि आप लोग कुछ अवैध चीज़ें लेकर जा रहे हैं। इनके पास असला 2 असले बरामद हुए हैं और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वर्दी में यूनिफॉर्म में रहते हुए करते रहे कि किस तरह से सिविल आपस में ही रहे? इसकी अभी पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ हमारे को फुटेज मिल पाएगा जहाँ पे ये वर्दी इन्होंने यूज़ करी है कि नहीं करी है। सर, प्राथमिक जांच में ये कुछ बातें सामने आ रही है कि ये लोग और भी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, क्योंकि जो इनमें से एक अभियुक्त है उन पे जुवेनाइल एक्ट में 302 का मुकदमा चल चुका है, उसमें ये सजायाफ्ता थे, और दूसरा जो है उनके ऊपर 363/66 का भी मुकदमा रहा है। इसके अलावा जो घटनाएं बताई जा रही हैं कि पूर्व में भी की गई हैं, क्योंकि किसी ने हमें लिखित सूचना नहीं दी थी, जैसा बताया गया कि व्यापारी जब आधा पैसा लूट लिया जाता था तो कोशिश करते कि कंप्लेंट ना हो, यही मोडस ऑपरेंडी का फ़ायदा उठाते थे ये लोग, इसलिए हम लोग अभी इसमें जाँच कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये घटनाएँ की गई हैं। अगर वो आपको जो प्रेस नोट प्रदान किया गया उसके अंदर पूरी जानकारी है जहाँ जहाँ ये रहे हैं। लगातार ये टच में थे घटना के दिन और उससे पूर्व में भी, यही अभी जानकारी आई है, और बाकी जो विवेचना में हमारे पास आएंगे संज्ञान में तथ्य उस पर कार्रवाई की जाएगी।